आज मैं एक बहुत ही आसान नाश्ता और बढ़िया बहुत ही जल्दी बनने वाला लाए हैं। इसे आप इवनिंग या मॉर्निंग कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए, इसे तो बनाना बनता है। तो एक हम दो केला लिए हैं। इस तरह का जब ज़्यादा केला पक जाता है तो हम इसे फेंक देते हैं। तो आज इसी से हम ये बनाएंगे। एक कटोरी ये आटा लिए हैं। आटा तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और हम एक छोटी कटोरी चीनी लिए हैं। चीनी अपना स्वाद के अनुसार डालिए। और ये गड़ी का बुरादा है। और ये तीन चार इलायची है जिसे हम खोलकर कूट लिए हैं। और एक गिलास दूध है। दूध आप कोई चीज़ का ले सकते हैं, गाय भैंस किसी का भी ले सकते हैं। तो एक केला है जिसे हम इस तरह पूरा पक गया है तो इसे हम छील कर अलग कर लेंगे और दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा काट कर निकाल देंगे। और इसे हम पतले पतले स्लाइस में काट देंगे। इसे आप ज़्यादा मोटा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं काटिए। तो इस तरह से हम सभी केले को काट लेंगे। तो ये हम दोनों केले को काट लिए। तो ये दूध को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और उसमें हम थोड़ा थोड़ा आटा करके मिलाएंगे। तो इलायची पाउडर डाल दिए। और सभी आटा को एक साथ नहीं डालिएगा, नहीं तो इसमें गुठली या लम्स पड़ जाएगी फ्रेंड्स। तो हम थोड़ा थोड़ा आटा करके इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो इसे आप इसी तरह से चारों तरफ से अच्छी तरह से लम्स को मिलाते हुए इसे घोलिए। और इसी तरह थोड़ा थोड़ा आटा करके हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनती है। तो देखिए, इसे हम घोल लिए और इसमें तीन छोटी चम्मच हम ये गड़ी का बुरादा डाल दिए। गड़ी का बुरादा डालने से टेस्ट दुना हो जाता है, तो आप इसे ज़रूर डालिए। और हम चीनी को भी डाल दिए। आप चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अगर आप खड़ा चीनी भी डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छी तरह से घुल जाएगी। तो इसे हम अच्छी तरह से सभी को मिला दिए। और इसे ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा हमें बनाना है। तो घोल को हम एकदम मीडियम बनाएंगे और इसे ढककर हम 4 से 5 मिनट रख देंगे। तो चलिए गैस को ऑन करते हैं और उस पर एक पैन रखते हैं। पैन को अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो हम इसे एक चम्मच शुद्ध घी डालेंगे और चारों तरफ अच्छी तरह से इसे हम फैला देंगे। इसे हम बहुत हेल्दी बना रहे हैं तो इसे हम बहुत ही कम तेल में घी में बनाएंगे। तो अब उसके बाद जो हम केला का स्लाइस काट कर रखे थे गैस को ऑन करके और चारों तरफ से एक एक कर हम पैन में फैला देंगे जितना अटेगा। और उसके बाद हम जो घोल बना कर रखे हैं उसे चारों तरफ से फैलाते हुए हम इसे गिराएंगे ताकि मेरा केला अच्छी तरह से ढक जाए। और सभी प्रोसेस में हम फ्लेम को एकदम लो रखेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, ये 3 से 4 मिनट मेरा हो चुका है ढककर हम रखे थे। तो एक प्लेट लेके इस तरह से हम पलट लेंगे। तो देखिए, एक तरफ से ये कितनी सुनहरा तल गई है। तो अब इसे हम दूसरी तरफ से भी तलेंगे। तो सेम फ्लेम पैन में हम एक चम्मच शुद्ध घी डालेंगे और चारों तरफ से इसे हम फैला लेंगे। फ्लेम को हाई नहीं करिएगा फ्रेंड्स, तो नहीं तो ये अच्छी नहीं बनेगी। और इसे अच्छी तरह से हम धीरे से सावधानी से डाल देंगे। तो देखिए, ये पैन छोड़ दिया है और इसे ढककर हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे। और उसके बाद हम इसे देख लेंगे। तो देखिए, लग रहा है दोनों तरफ से अच्छी तरह पक गया है। तो फिर हम इसे प्लेट में उलट कर देख लिए। तो देखिए, ये कितनी अच्छी बन गई है। तो इसे हम अपने मन मुताबिक काट लेंगे। और ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है बिना मीठा सोडा के। तो देखिए, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर